नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। किशनगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जिसके चलते चौक चौराहे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती के साथ सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। वहीं नगर परिषद की ओर से सड़कों की साफ सफाई की करवाई जा रही है। शाह के दौरे को लेकर MGM मेडिकल कॉलेज में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ शहर के ऐतिहासिक बूढ़ी काली मंदिर को भी सजाया जा रहा है। बता दें कि बूढ़ी काली मंदिर में 24 सितंबर को अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के आगमन की तैयारियां चल रही है। क्या प्रोग्राम है उनका? यहाँ पूजा करेंगे और माँ का दर्शन करेंगे, बस यही प्रोग्राम है। पूजा करेंगे, माँ का दर्शन करेंगे। हमारे भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनका आवागमन है हमारे शहर में और उन्होंने अपने कार्यक्रम में यहाँ का जो है कि कार्य ये प्रोग्राम रखा है, वो यहाँ आएंगे माथा टेकने के लिए। उनकी आस्था काली माँ के प्रति है, वो यहाँ इस चीज़ से प्रतीत करेंगे और लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज भेजेंगे। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का यहाँ प्रस्ताव है पूजा अर्चना करने का। सवेरे 9 बजे के आसपास उनका यहाँ पूजा अर्चना है, उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है, जिसके चलते बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी केवल एजेंडा चला रही है, बेरोजगारी और भुखमरी से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। हर कोई का सहयोग रहेगा तो उम्मीद कभी हारा है जी? कभी नहीं हारा। और कौन आ रहा है जा रहा, उससे हम लोग को क्या लेना देना है? हम लोग अपना काम करते हैं, जो बिहार की जनता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करती है उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। आप लोग जानते हैं कि वो जो है किस कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप देखा महिलाओं के लिए, देखिए पंचायती राज में उन्होंने क्या किया, और आज परिवहन विभाग में जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हुआ है, तो प्रदूषण पे हो चाहे शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में तो काम हो ही रहा है। तो उसके आने से तो देखिए जो लोग आ रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं कि आज पूरे देश में क्या चल रहा है। पटना में हुई आरजेडी की बैठक में आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश तेजस्वी के हाथ में कमान देकर आगे की लड़ाई लड़ें या वनवास चले जाएं, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर जो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं वो एकदम सही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं तो आने वाले समय में आरजेडी उनको ना तो घर का छोड़ेगी और ना ही घाट का। पटना के आरजेडी कार्यालय में राज्य परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में जगदानंद सिंह को राजद का दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं राज्य परिषद बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, समाजवादी नेता शरद यादव के साथ पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन हमारा वसूल वही है कि हम गरीबों की आवाज बनेंगे और उसके लिए यह सरकार काम करेगी। नालंदा में राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित लोजपा के 3 दिवसीय परीक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें लोक वन सत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि जिस तरह हाल के दिनों में बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, उससे यह साफ जाहिर होता है कि यहां जंगल राज नहीं बल्कि डबल जंगल राज चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेगूसराय में हुई घटना बिहार के इतिहास में ऐसी पहली घटना है। भाई जंगल राज जो शब्द है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है और आज विडंबना ये है कि जिस शब्द का उन्होंने इजाद किया, उन्होंने निर्माण किया, आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। 2005 में अपने आप को जंगल राज का विकल्प कहकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे और आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। बहरहाल
जंगल राज वापस आया कि नहीं आया, पर मौजूदा जो परिस्थिति है वो कम से कम डबल जंगल राज से कम नहीं है। इतनी अराजक परिस्थिति बिहार में। नालंदा में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद विजय कृष्ण शरीफ सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुराने साथियों से मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता भी की, जिसमें उन्होंने पूर्व सांसद विजय कृष्ण से कहा कि हमारे कई साथी जो काल के गाल में समा गए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। इसके साथ ही जेल में बंद आनंद मोहन को तत्काल रिहा करने के लिए सरकार से प्रेस के जरिए अपील की। बहुत दिन हो गया था, लोगों से मिलने जुलने आए हैं, अपने बहुत सारे साथी जो कोरोना के काल के गाल में चले गए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, यही उद्देश्य है। राजनीतिक और चूँकि मैं पार्टी का पूर्व महासचिव रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ पार्टी का, तो आप सवाल कुछ करते हैं तो उसका उत्तर देना लाजमी है। सहरसा में सरकार ने शिक्षा विभाग प्रखंड में आयोजित चहक परिषद केंद्रों पर बड़े पैमाने पर लापरवाही नजर आ रही है, जिसको लेकर क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य प्रखंड शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने जिला अधिकारी को आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्रों पर कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। वही निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई है। साथ ही साथ पंचायत समिति सदस्य ने बताया कि 15 वित्त योजना बनाई गई है, जिसमें सौर बाजार प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अब तक भी योजना को संचालित नहीं किया है और खुद से ठेकेदारी के साथ प्राइवेट ठेकेदार को लगाकर ही कार्य किया जा रहा है, जो नियम का सरासर उल्लंघन है, जिसको लेकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। हम लोगों का मुख्य मुद्दा समाज स्तर का है। हम स्वास्थ्य विभाग का अध्यक्ष हैं, सौर प्रखंड अंतर्गत और समिति है। 15 अगस्त को झंडा तोलन का आयोजन किया गया था, वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा मुझे जानकारी नहीं दी गई और नहीं आमंत्रित किया गया। उप स्वास्थ्य केंद्र खजूरी में डॉक्टर की पदस्थापन रिक्त है। सिविल सर्जन को मौखिक रूप से लिखित आवेदन भी दिए, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर का पदस्थापन नहीं हुआ, तथा एक साल बीतने के लिए चला है। 15वीं वित्त योजना का समिति द्वारा जो फंड है उसको आमंत्रित करने के लिए, विभाजित करने के लिए हम लोगों को अभी तक उसकी राशि का भुगतान नहीं हो पाया है, नहीं कार्य का संचालन किया गया है। शिक्षा समिति का अध्यक्ष हमको बनाया गया है, और जब स्कूल को मैंने एक दो स्कूल को जब देखे तो बहुत दयनीय स्थिति था विद्यालय का, और जब मैंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से जब इनके बारे में बताई तो उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग को जो देखने का कोई राइट नहीं है, हम अपने इसको देख लेंगे। और हम लोग जहाँ तक बात है, हम लोग की योजना की बात है, जो 15वीं वित्त की योजना जो है उसमें हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई जो योजना के लिए हम लोग को संचालित नहीं किया जा रहा है, जो प्राइवेट ठेकेदार को और अपने से भी ठेकेदारी करता है और प्राइवेट ठेकेदार को भी लगा के वह कार्य करता है, जो उचित नहीं है। बाराहाट बाजार में जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों सहित बाजार के आसपास के लोगों को बाजार जाने के लिए छोटी सी गंदी नदी को पार कर जाना पड़ता है, जिससे परेशान होकर स्थानीय मुखिया और कई लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। अब यह देखना होगा कि सरकार और स्थानीय विधायक इस मामले पर कब तक संज्ञान लेते हैं। भागलपुर में कहलगांव नगर निगम के वार्ड नंबर 2 में सड़कें न बनने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 2 में विकास के नाम पर सिर्फ जनता को ठगने का काम किया गया। बता दें कि यहां पर राजनीतिक दल वोट मांगने आते हैं, लेकिन विकास कोई नहीं करता है। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही चला जा रहा है। आए दिन लगातार अपराध पर अपराध हो रहे हैं। दरअसल नाथनगर में बीते 14 सितंबर को सिल्क व्यवसायी अफजाल की हत्या मामले में परिजनों से मिलने पूर्व उद्योग मंत्री अफजाल के घर पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि भागलपुर में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है, यह बहुत ही दुखद है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भागलपुर SSP से बात की गई है, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन मिला है। मुझे भागलपुर में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ये बहुत दुखद है। मैं 2006 से भागलपुर में हूँ,
कभी भी इस तरह किसी के यहाँ ऐसे गोली मार दी गई हो इस इलाके में, खासकर नाथनगर चंपानगर ये इलाका जहाँ सब आपस में रिश्तेदार भी, और इस तरह की घटना शायद पहली है कि सुपारी देकर हत्या करा दी गई। जो हत्यारा है वो तो पकड़ा गया, लेकिन जिसने करवाई है, जो मेन मुख्य आरोपी है, इसके लिए भी मैंने एसपी साहब से बातचीत किया है। उसको जल्द दबिश डालकर उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और 4 साल का ही बेटा है, बहुत कम उम्र में, बहुत अपकमिंग था। ये पूरा परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, हमसे इनका बहुत। बिहार के कैमूर जिले में दुर्गावती प्रखंड के खजूरा पंचायत के मुखिया संजय मल्होत्रा ने पंचायत के एक स्कूल में निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था को चौपट देख मुखिया ने काफी नाराजगी जताई। वहीं मुखिया ने कहा कि बच्चों की शिक्षा अंधकार में डूब रही है, हर हाल में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना होगा और ये मेरी पहली प्राथमिकता है। मुखिया हूँ मैं, जब अपने विद्यालय खजूरा में पहुंचा तो इस विद्यालय में बहुत खामियां पाई गई। पहले तो मिड डे मील का भोजन आधा बच्चे ही भोजन किए और आधा बच्चे बिना खाए रह गए हमारे आंखों के सामने। मैं जब 8वीं कक्षा के छात्रों से हमने वार्ता किया तो 8वीं कक्षा के छात्रों को ये नहीं पता है कि हमारा प्रिंसिपल कौन है। उन लोगों को ये नहीं पता है कि हमारा जिला कौन सा है। अपने जिला को बता रहे हैं कि हमारा जिला बिहार है। क्या यही पढ़ाई होना चाहिए हमारे विद्यालयों में? अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि इस मामले को दबाया जाए। कैसे दबा दें? बहुत गंभीर जटिल समस्या है। अभी जब हमने छात्राओं से पूछा, कक्षा 7वीं के छात्रा बता रहे हैं कि कौआ खराऊ नहीं आता है। क्या विद्यालय की रवैया है? नवादा जिले के माया बिघा गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजन ने बताया कि बुजुर्ग अपने खेत में धान देखने गए थे, तभी लौटते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला कादिरगंज ओपी क्षेत्र का है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मामला नवादा नगर थाना क्षेत्र के सोभिया के मुसहरी टोला का है, जहां पूरे मामले में नगर थाना प्रभारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान अवैध शराब भट्टी को नष्ट किया गया, साथ ही 15 लीटर शराब भी जब्त की गई। मौके पर SI और अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर लगातार इस्लामपुर बाजार में हो रहे अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, जिसके चलते अचल पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर प्रशासन टीम ने इस्लामपुर बाजार में अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्य शुरू किया। वहीं टीम में शामिल RO, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सहित थाना अध्यक्ष और दर्जनों की संख्या में पुलिस बल शामिल रहे। बता दें कि छोटे छोटे दुकानदारों के अतिक्रमण करने से हमेशा इस जगह पर जाम की समस्या बनी रहती थी, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।